हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। भारतीय सर जमीन पर इस साल अक्टूबर नवंबर एक दिवसीय वर्ल्ड कप खेला जाएगा। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो BCCI ने इस साल टूर्नामेंट के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। हालांकि इन 20 खिलाड़ियों में किस किस को जगह मिली यह कहना मुश्किल है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का एक बयान सामने आया है। जडेजा का ऐसा कहना है कि विश्व कप टीम के लिए रविचंद्र अश्विन को देखना चाहते हैं। अजय जडेजा का ऐसा कहना है कि घरेलू परिस्थिति में अश्विन टीम के लिए काफी अहम साबित होंगे। 36 वर्षीय अनुभवी स्पिनर ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे पिछले साल जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उसके बाद उनको 50 ओवर क्रिकेट में हिस्सा नहीं बनाया गया है। प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।